सो है एवरीवन, दिस इज नबील खान एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग अपना रजिस्टर पेज का यूआई बनाने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे अपना वीएस कोड यहाँ पर, और यहाँ पर जाएंगे क्लाइंट वाले फोल्डर में, और यहाँ पर हम लोग रजिस्टर फोल्डर ओपन करेंगे। तो यहाँ से मैं H1 मिटा दूंगा और इस डेव को मैं क्लास नेम दे दूंगा रजिस्टर पेज, और यहाँ पर मैं दो डिव क्रिएट कर लूँगा और इसका मैं क्लास नेम दे दूंगा लेफ्ट, और दूसरे डिव का नाम क्लास नेम दे दूंगा मैं राइट। और इस लेफ्ट डिव में सबसे पहले हम लोग एक H1 दे देंगे, और H1 में हम लोग लिख देंगे रजिस्टर योर अकाउंट, और H1 के बाद हम लोग अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म के लिए मैं जाऊंगा बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर, और यहां से हम लोग जाएंगे फॉर्म्स में, और यहां से मैं ये कोड कॉपी कर लूँगा और यहाँ कर सिंपली पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर हम लोग को इनपुट टैग को यहाँ पर क्लोज करना होगा, और मैं यहाँ से ये डिव को मिटा दूंगा, मुझे ये डिव नहीं चाहिए। और राइट डिव में हम लोग यहाँ पर एक इमेज रखेंगे। सो इमेज को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। मैंने इमेज को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो मैं इसका नाम दे दूंगा रजिस्टर इमेज फ्रॉम ./, और इमेजेस फोल्डर में रजिस्टर .png, और इसे हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर लिखूँगा img, और src में हम लोग लिख देंगे रजिस्टर इमेज, और यहाँ पर हम लोग एक नया डिव क्रिएट कर लेंगे अपने नेम के लिए। सो इंस्टेड ऑफ ईमेल एड्रेस यहाँ पर मैं नेम लिख दूंगा नेम, और यहाँ पर ये डिव को मैं मिटा दूंगा, और CSS की फाइल मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख के तैयार रखी है। आप लोग इसे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे GitHub रेपो का। सो इसे मैं यहाँ से सिंपली इंपोर्ट कर लूँगा। सो मैं लिखूँगा इंपोर्ट, और यहाँ से ./ रजिस्टर .css, और हम लोग जाएंगे अपने ब्राउज़र पर, तो आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर रजिस्टर का पेज यहाँ पर तैयार हो चुका है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।